हेलो हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी विद रीना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाना बताऊंगी। उसके लिए हमें ये बकरम चाहिए, कुछ लेसेस चाहिए, कुछ सीक्वेंस चाहिए, ये एक कपड़ा चाहिए, कोई भी कपड़ा आप ले लीजिए, कॉटन का, सिल्क का, कुछ भी। अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बकरम पे एक राउंड बना लेंगे, जिसके लिए मैंने प्लेट ली हुई है। इससे हम राउंड बना लेंगे। जो आपके पास जितना भी लड्डू गोपाल का साइज का मूर्ति है, उसके हिसाब से आपको बनाए। तो ये राउंड हो गया है। अब हम इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे और ऐसे ही हम कपड़े को भी राउंड में ही काटेंगे। अब हम इसे कपड़े पे काटेंगे, तो कपड़े पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे इसको, जैसे ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, इससे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। अब इसे हम कट कर देंगे। कपड़ा काट लिया हमने, ये एक्स्ट्रा है। अभी हम ये फैब्रिक क्रिल गम लेंगे और इसको कपड़े को और बकरम को ऐसे चिपका देंगे। पतला पतला अच्छे से गम लगाना है। ऐसे हम लगा देंगे। उस साइड में जो ये कपड़ा है, इसको हम छोटा छोटा काटेंगे, बुकरम नहीं काटेंगे, छोटा छोटा काटेंगे। ये देखिए, ये हमने सारा काट लिया है चारों ओर से। अभी हम एक साइड से शुरू करेंगे, यहाँ गम लगाएंगे सभी पे। ये देखिए, और ये कपड़ा हम अंदर को ऐसे फोल्ड कर देंगे। सारा ऐसे ही करना है। अब ये सारा हमने ऐसे ही चिपका दिया है और इसे हम सीधा करेंगे। ये जो आपको गम के निशान दिख रहे हैं, सूखने के बाद एकदम ठीक हो जाएंगे। ये देखिए, एकदम राउंड बन गया है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये देखिए, उसके लिए हम हाफ करेंगे। ये दोनों को यहाँ मिला के ये एक निशान लग जाएगा। इसके बाद स्केल की मदद से हम ये एक और छोटा राउंड बना लेंगे। ये देखिए, साथ में ही एक सीधी लाइन ऐसे खींच लेंगे हम और इसको यहां से कट कर देंगे। ये राउंड भी कट करना है। कट करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अब ग्लू गन की सहायता से हम ये कट पे लेस लगाएंगे।
दूसरी साइड भी ऐसे ही लगाएंगे। अभी हम लेस लगा रहे हैं इधर। ताकि ये कटा हुआ देखने में अच्छा लगे। ये दोनों साइड लेस लग गया है। अब हम ये बीड्स वाली लेस लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये यहाँ पे गम लगा लिया है और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये और पूरे में ही ऐसे लगा देना है। अभी ये ऐसा दिख रहा है। अभी हम, ये तो नीचे का पोर्शन बन गया हमारा, अभी हम ऊपर का पोर्शन बनाएंगे। उसके लिए हम बकरम के दो स्ट्रिप्स लेंगे ये, और इसको कपड़े में ऐसे फिक्स करेंगे ग्लू गन के साथ ही। ये स्ट्रिप्स रेडी हो गई हैं। अब इन्हें भी हम ये लेस लगाएंगे, वही जैसे हमने पहले लगाया उसी तरह। ये स्ट्रिप्स अभी रेडी हो चुकी हैं। अब ये जो पोर्शन है इसे हमें, इसे भी ये लेस लगानी है, यही जैसे पहले लगाई वैसे ही लगा देनी है। अब ये बन गया है, ये भी बन गया है, देखिए इसका ऊपर का पार्ट भी बन गया है। अभी हम इसको फिक्स करेंगे। तो ये जो हमने कट लगाया था इसके सामने हम एक और निशान लेंगे सेंटर में, और अभी हम इन्हें जोड़ेंगे। जैसे ये है, ये जो हमने निशान लिया इसको हम यहाँ पे ग्लू गन से जोड़ेंगे। ये देखिए, और दूसरे पार्ट को इस साइड जोड़ेंगे ये। ये देखिए, ये आगे का पार्ट बन चुका है। अब ऐसे ही हमें ये पीछे के पार्ट में ऐसे इसके साथ जॉइंट करना है। जैसे यहाँ पे ये ग्लू लगाएंगे, और ये थोड़ा सा छोड़ के यहाँ पे ऐसे इसको फिक्स करेंगे। दूसरा भी ऐसे ही लगाएंगे। ये चिपक चुका है। अब ये रेडी हो गया है। अब हम इस पे किसी भी तरह की डेकोरेशन और कर सकते हैं। ये देखिए, ये स्लीव के लिए, ये नेक बन गया है।
देखिए कितना सुंदर बन गया है। अब इसके ऊपर हम डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन के लिए कुछ मेरे पास कांच के पीस है, आप कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हो अपने हिसाब से, तो मैं ये कांच के लगा रही हूँ। तो पहले हम ये गम लगाएंगे यहाँ पे, एक कांच का लगा देंगे। ऐसे ही पूरा हम लगा देंगे। तो दोस्तों अभी ये बन के रेडी हो गया है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखिए अभी ये गीला है, थोड़ा गम लगा हुआ है, सूखने के बाद एकदम उठा सकते हैं हम। तो दोस्तों आपको ये मेरा लड्डू गोपाल की ड्रेस का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।